हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम किसी भी चीज़ को काटने के लिए कट का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जैसे सब्जी काटना, जेब काटना, दिन काटना, समय काटना, कॉल काटना, रसीद काटना जैसे शब्द को बिना कट के यूज करके कैसे हम इसका वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला देख लेते हैं। पहला है सब्जी काटना। सब्जी काटने के लिए कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम चॉप द वेजिटेबल, क्या यूज करते हैं? चॉप द वेजिटेबल। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, माँ सब्जी काट रही है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मदर इज चॉपिंग, वर्ब फॉर वी फोर होगा यहाँ पर, काट रही है कंटिन्यूअस टेंस है तो वी फोर होगा। तो क्या होगा? मदर इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, मदर इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। भी यहाँ पर कटिंग का यूज करेंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद दूसरा है जेब काटना। जेब काटने यूज नहीं करते जेब काटना, तो पिक द पॉकेट क्या यूज करेंगे? पिक द पॉकेट, जेब काटने के लिए पिक द पॉकेट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, किसी ने मेरा जेब काट लिया। बोलते नहीं है अगर याद नहीं रहता है तो, और किसी जेब काट कर चला जाता है तो बोलते किसी ने मेरा जेब काट लिया। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? समवन पिक्ड माय पॉकेट, लिया है तो पिक्ड हो जाएगा वी टू। तो समवन पिक्ड माय पॉकेट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्रेन में कोई मेरा जेब काट लिया। फिर से वही, ट्रेन में मेरा कोई मेरा जेब काट लिया। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? Someone picked my pocket in the train. क्या बोलेंगे? Someone picked my pocket in the train. यानी कि काट लिया तो picked भी टू। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है दिन काटना। दिन काटने के लिए क्या यूज करते हैं? Spend the day. क्या करते हैं? Spend the day. पहला एग्जाम्पल है, दिन काटना अच्छी बात नहीं है। दिन काटना अच्छी बात नहीं है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट्स नॉट ए गुड, अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स मतलब इट इज। इट्स नॉट ए गुड थिंग टू स्पेंड द डे। उसके बाद नेक्स्ट है, चौथा है समय काटना। समय काटने के लिए वर्ड का यूज करते हैं किल द टाइम। क्या करते हैं? किल द टाइम। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, तुम बस समय काट रहे हो। बोल नहीं कोई काम कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, क्या बोलते हैं? तुम बस समय काट रहे हो। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे यू आर जस्ट किलिंग टाइम, या कंटिन्यूअस है तो किलिंग हो गया, वी फोर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि पांचवा है बात काटना। बात काटने के लिए कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? इंटरप्ट। क्या करते हैं? इंटरप्ट। तो चलिए दोस्तों, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, बड़े का बात काटना अच्छी बात नहीं है। क्या है? बड़े का बात काटना अच्छी बात नहीं है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट्स नॉट ए गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स मतलब इट इज, क्या होगा? इट इज टू इंटरप्ट द एल्डर्स। टू इंटरप्ट यानी बात काटना, ये हो गया बात काटना। इंटरप्ट द एल्डर्स, बड़े का बात काटना अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट ए गुड थिंग टू इंटरप्ट द एल्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि छठा है रसीद काटना। रसीद काटने के लिए कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? इशू ए रिसिप्ट। क्या यूज करते हैं? इशू ए रिसिप्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, रसीद काटना जरूरी है। क्या है? रसीद काटना जरूरी है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट इज़ नेसेसरी टू इशू ए रिसिप्ट। क्या होगा? इट्स नेसेसरी टू इशू ए रिसिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि सातवां है दांत काटना। दांत काटने के लिए कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? बाइट का। क्या यूज करते हैं? बाइट का। तो चलिए दोस्तों, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, इसे दांत काटने की आदत है। बच्चों की नहीं होता है, कुछ भी करो तो दांत काट लिए। तो क्या बोलते हैं? इसे दांत काटने की आदत है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इट हैज़ ए हैबिट ऑफ बाइटिंग, बिफोर लग गया बाइटिंग इट्स टीथ। क्या होगा? इट हैज़ ए हैबिट ऑफ बाइटिंग इट्स टीथ। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि आठवां है पैसे काटना। पैसे काटने के लिए हम कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? डिडक्ट का। डिडक्ट द
मनी, क्या होगा डिडक्ट द मनी। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है पहले आप पैसे काट लो, दुकानदार पे लेते हैं कोई सामान और जल्दी नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं, पहले आप पैसे काट लो। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट यू डिडक्ट द मनी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट यू डिडक्ट द मनी, फर्स्ट यू डिडक्ट द मनी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है बैंक ने मेरा रुपया काट लिया। कभी कभी होता है नहीं, कोई बग के वजह से पैसा काट लेता है बैंक, तो बोलते हैं बैंक ने मेरा पैसा काट लिया। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द बैंक डिडक्ट माई मनी। क्या बोलेंगे, द बैंक डिडक्ट माई मनी, तो बैंक ने मेरा रुपया काट लिया। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक ले जाइए जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।